हिम्मत की चट्टान हूं मैं, जर्रा हूं पर अपने अंदर एक अनमोल जहान हूं मैं। अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूं मैं, मादर भी मैं दुख्तर भी मैं, इज्जत हूं और मान हूं मैं। ऐ इस दुनिया के दानाओ मत समझो नादान हूं मैं। चले उस बादल पे बेटा, क्या करना है आगे पढ़ लिख कर? आप घर के काम सीखें, आगे यही काम आएंगे। हिफ्ज़ा की अम्मी इन्हें घर के काम सिखाएं। नहीं बाबा, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अच्छा बताए, क्या बनना चाहती है? बाबा, मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अरे बेटा, ये लड़कों के काम है, लड़कियों के नहीं। आप घर के कामों पर तवज्जो दें। नहीं बाबा, मैं करके दिखाऊंगी, मैं आपको आर्मी ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। लेकिन बेटा हिफ्ज़ा, मेरी बात तो सुनो, रुको। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज़े, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम हिफ्ज़ा। जी अम्मी, ना हिफ्ज़ा, मैं घर आ रही हूँ और मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या वाकई? जल्दी से आ जाओ, मैं और आपके अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, क्या बात है हिफ्ज़ा की अम्मी, इतना खुश क्यों है? अरे खुशी की तो बात है, अरे हमारी बेटी घर आ रही है। क्या वाकई? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, हम लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। देखें, आज मैं आर्मी ऑफिसर बन गई। बेटा, मेरा नजरिया गलत था, मैं समझता था कि लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं, लेकिन आज मेरी बेटी ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। तालीम सभी के लिए है, हमें इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं करना चाहिए। चलो तुम जल्दी से कर लो, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी।
अस्सलामुअलैकुम। तमाम फौजियों से दरख्वास्त है, मुल्क में जंगी हालात होने की वजह से आप सबको अपनी छुट्टियों से वापस आना पड़ेगा, मुल्क को आपकी जरूरत है। अम्मी अब मुझे जाना होगा। लेकिन बेटा अभी तो आई हो। नहीं अम्मी मुझे जाना होगा, मेरी जरूरत है वहाँ। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आप लोगों का और अपने मुल्क का नाम फखर से बुलंद कर लूं। अल्लाह पाकिस्तान की हुई है और ये सब हमारे गाजियों और शहदाओं की मेहनत है। शहीदों का खून रायगा नहीं गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहादुर थी, उसने अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला ऐसी बेटियां सबको अता फरमाए। आमीन। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। साथ रहो।